नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू। मेघालय में 59 सीटों के लिए 369 और नागालैंड में 184 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में हो जाएगी कैद। कर्नाटक को आज मिलेंगी कई सौगातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवमोग्गा में 3600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त करेंगे जारी। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले मामले में गिरफ्तार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में होगी पेशी। भाजपा ने सिसोदिया पर कमीशन खोरी का लगाया आरोप, वहीं कांग्रेस ने किया गिरफ्तारी का स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के बीकानेर में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव को करेंगी संबोधित। 5 मार्च तक चलने वाले इस समारोह में देश भर से करीब 1000 लोग हो रहे हैं शामिल। यूक्रेन युद्ध में रूस की सहायता करने पर अमेरिका ने चीन को दी चेतावनी, कहा रूस को ड्रोन सहित घातक हथियार भेजने पर चीन को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार जीता आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का खिताब। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराया। टी20 विश्व कप में लगाई दूसरी बार खिताबी हैट्रिक। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने खत्म किया 6 साल से चले आ रहे खिताब का इंतजार। न्यूकैसल यूनाइटेड को 2-0 से हराकर जीत EFL कप का खिताब। कैसेमिरो और रैशफोर्ड ने किए गोल। तो आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और ये शाम 4 बजे तक चलेगा। राज्य में 13 लाख से अधिक मतदाता, 4 महिला उम्मीदवार सहित कुल 183 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यहाँ कुल 60 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इस बार 59 पर मतदान हो रहे हैं, क्योंकि भाजपा के एक प्रत्याशी जिन्हें बोटो जिले में आकुलुटो सीट से भाजपा प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक काजहेटो किनमी निर्विरोध चुने गए हैं। राज्य की 60 सीटों में से भाजपा के निर्विरोध एक सीट जीतने के कारण मतदान केवल 59 सीटों पर कराया जा रहा है। निर्वाचन आयोग की तरफ से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। राज्य में 2315 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 777 अति संवेदनशील और 720 संवेदनशील श्रेणी के हैं। वहीं 50% मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य सशस्त्र पुलिस बलों की 305 कंपनियों और नागालैंड पुलिस की 15 बटालियनों को भी तैनात किया गया है। मेघालय में भी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। राज्य में सुचारू और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ है, जो कि शाम 4 बजे समाप्त होगा। पिछली सरकार में भाजपा एनपीपी के साथ गठबंधन में सरकार थी, लेकिन इस बार भाजपा ने यहां पर अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस बार मेघालय में कुल 369 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, इनमें 36 महिलाएं हैं। यहां पर विधानसभा की 60 सीटें हैं, लेकिन एक उम्मीदवार के निधन के कारण
इस बार 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। राज्य में कुल 21,40,000 से अधिक मतदाता हैं। खास बात यह है कि इनमें पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। राज्य में कुल 3,419 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस बीच प्रशासन ने शांतिपूर्ण और स्वतंत्र मतदान सुनिश्चित करने के लिए करीब 1,000 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की हुई है। समूचे राज्य में मतदान केंद्रों पर सशस्त्र पुलिस बलों की 119 कंपनियां तैनात की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री शिवमोगा हवाई अड्डे का दौरा एवं निरीक्षण करेंगे और उसके बाद शिवमोगा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बेलगावी में कई विकास पहलों की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे और पीएम किसान की 13वीं किस्त भी जारी करेंगे। शिवमोगा हवाई अड्डे के उद्घाटन के साथ देश भर में हवाई संपर्क को बेहतर करने पर जोर देने प्रधानमंत्री के कदम को और बढ़ावा मिलेगा। नया हवाई अड्डा लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इस हवाई अड्डे का यात्री टर्मिनल भवन प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभाल सकने में सक्षम है। यह हवाई अड्डा मलनाड क्षेत्र के शिवमोगा एवं अन्य पड़ोसी इलाकों की कनेक्टिविटी को और ज्यादा बेहतर। प्रधानमंत्री शिवमोगा में 2 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री सड़कों के विकास की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत 950 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बहुग्राम योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री शिवमोगा शहर में 895 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 44 स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेलगावी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 13वीं किस्त की लगभग 16,000 करोड़ रुपए की राशि 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से जारी करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री पुनर्विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लगभग 190 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। लोहंडा बेलगावी घाट प्रभा खंड के बीच रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजना एक अन्य ऐसी रेलवे परियोजना है जिसे प्रधानमंत्री द्वारा बेलगावी में राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री बेलगावी में जल जीवन मिशन के तहत बहुग्राम योजना की 6 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे जिन्हें लगभग 1,585 करोड़ रुपए की संजयी लागत से विकसित किया जाएगा और इससे 315 से अधिक गांवों की लगभग 8.8 लाख आबादी लाभान्वित होगी। और दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने एक बयान में कहा है कि मनीष सिसोदिया ने पूछताछ के दौरान टालमटोल भरे जवाब दिए और जांच में सहयोग नहीं किया, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मनीष सिसोदिया पर आपराधिक साजिश रचने, खातों की हेराफेरी, शराब माफिया के हित को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाने, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, सरकारी कर्मचारी से रिश्वत लेने समेत आदि धाराओं में के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली आबकारी नीति का मामला पिछले साल उस समय शुरू हुआ था जब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस बारे में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उन्होंने आबकारी नीति में अनियमितताओं का हवाला देते हुए जांच कराने की सिफारिश की थी। इस मामले में जिन 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है उसमें मनीष सिसोदिया भी एक है। प्राथमिकी में इन लोगों पर आबकारी नीति के में नियमों और प्रक्रियाओं के कथित उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बीकानेर में आयोजित राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव को संबोधित करेंगी। इस महोत्सव का आगाज 25 फरवरी को हुआ था और ये 5 मार्च तक चलेगा। डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित समारोह में देश भर से करीब 1,000 कलाकार शामिल होंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। वो
ढोल वाला, किटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है, बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा लाइए, मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। अब रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। राज्यसभा की विशेष अधिकार समिति की बैठक आज से शुरू होगी। दो दिवसीय बैठक में 12 सांसदों द्वारा विशेषाधिकार हनन पर चर्चा होने की संभावना है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इन सांसदों के नाम समिति के पास भेजे थे। राज्यसभा के सभापति ने बजट सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा प्रदर्शित घोर अव्यवस्थित आचरण के कारण विशेषाधिकार के कथित हनन के प्रश्न का उल्लेख किया है। समिति को जिन सदस्यों के मामले भेजे गए हैं उनमें संजय सिंह, शक्ति सिंह गोहिल, सुशील कुमार गुप्ता, संदीप कुमार पाठक, नारन भाई जे राठवा, सैयद नासिर हुसैन, कुमार केतकर, इमरान प्रताप गढ़ी, एल हनुमंतैया, फूलो देवी नेताम, जे बी माथेर, हिशाम और रंजीत रंजन शामिल हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। अमेरिका ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर चीन को कड़ी चेतावनी जारी की है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा है कि अगर चीन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को सैन्य सहायता प्रदान करता है तो उसे वास्तविक कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास खुफिया जानकारी है कि चीनी सरकार रूस को युद्ध में उपयोग के लिए ड्रोन एवं गोला बारूद उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। जेक सुलिवन ने कहा कि अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी चीन को इस तरह के कदम से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि चीन अपनी कंपनियों के माध्यम से रूस को सहायता प्रदान करता रहा है। और खेल की खबरों का रुख करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हराकर छठी बार खिताब अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम का ये सातवां T20 विश्व कप फाइनल था और उन्होंने छठी बार ट्रॉफी जीती। केप टाउन के न्यूलैंड्स में खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 156 रन बनाए। बेथ मूनी ने 53 गेंदों में 74 रन की नाबाद पारी खेली। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 137 रन बना सकी। एल वोलवार्ड ने 48 गेंदों में 61 रन बनाए। उनके 17वें ओवर में आउट होते ही दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें भी खत्म हो गईं। ऑस्ट्रेलियाई टीम इससे पहले 2010, 2012, 2014, 2018 और 2020 में चैंपियन बन चुकी है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दूसरी बार महिला T20 विश्व कप में खिताबी हैट्रिक लगाई है। इससे पहले टीम ने 2010, 2012 और 2014 में लगातार 3 बार खिताब जीते थे। वहीं अब 2018, 2020 और 2023 में खिताब जीते हैं। पुरुष या महिला क्रिकेट मिलाकर पहली बार किसी टीम ने ICC टूर्नामेंट में दूसरी बार खिताबी हैट्रिक लगाई है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने EFL कप का खिताब जीत लिया है। रविवार की रात खेले गए खिताबी मुकाबले में मैनयू ने न्यूकैसल यूनाइटेड को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। मैनयू ने आक्रामक शुरुआत करते हुए पूरे मुकाबले के दौरान न्यूकैसल पर दबाव बनाए रखा। मैच के 33वें मिनट में कैसे मिरो ने शॉ के पास पर गोल करके टीम को 1-0 से आगे कर दिया। 6 मिनट बाद ही रैशफोर्ड ने गोल करके टीम की बढ़त को 2-0 कर दिया। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं हो सका और मैन यू ने मुकाबले को अपने नाम करके खिताब जीत लिया है। 2017 के बाद से मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये पहला खिताब है। इसी के साथ था इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति और आप देखिए DD प्रीमियर्स। नमस्कार।